आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबर। शहर में पिछले 3 दिन से पानी की लेकर हितराही मची हुई है। हर वार्ड हर गली में जनसंघ का विकराल रूप ले चुका है। ऊपर से भीषण गर्मी में बिन पानी लोगों का बेहाल हो रहा है। दरअसल पारा शरीफ पुल पर जल आवर्टन योजना की पाइपलाइन की शिफ्टिंग नगर पालिका के द्वारा की जा रही है, जिसके लिए शहर की पानी की सप्लाई बंद पड़ी हुई है। जैसे जैसे कल रात को पाइप शिफ्टिंग के बाद पानी की सप्लाई की गई थी, लेकिन अत्यधिक प्रेशर के चलते वह पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसे में अब दोबारा पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम चल रहा है, लेकिन शहर में एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं नगर पालिका के अधिकारी जल्द से जल्द लोगों के घर पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन सिक्किम के काम में जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि रात को चेक टेस्टिंग के बाद सुबह तक लोगों के घर पानी पहुंच सकता है, लेकिन फिलहाल नगर पालिका हर वार्ड में टैंकरों से सप्लाई की जा रही है, लेकिन जनता पानी के संकट से परेशान है। एक तरफ शहर में भीषण गर्मी और पानी के एक एक बूंद के लिए शहर की जनता परेशान है। शहर के 24 वार्डों में पानी की अत्यधिक किल्लत इन 3 दिनों में आ गई है। दरअसल पूरा मामला जलावर्धन योजना की पाइपलाइन शिफ्टिंग से जुड़ा है। पाराशोली पुल पर पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है, क्योंकि पाराशोली पुल का चौड़ीकरण होना है। नगर पालिका ने भीषण गर्मी पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम पिछले 3 दिन पहले चालू किया था, जिससे इलाके में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी, लेकिन इन 3 दिनों में जनता अत्यधिक पानी के संकट से परेशान हो गई। हर गली, हर बार, हर मोहल्ले में पानी की जद्दोजहद के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कोई हैंडपंप से पानी भर रहा है, तो कोई कोसों दूर पैदल चलकर पानी खरीद रहा है, कोई निजी व्यवस्था कर पानी को खरीद रहा है। वहीं नगर पालिका का कहना है कि हर वार्ड में पानी की सप्लाई टैंकर से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जनता पानी के लिए तरस गई। दूसरी तरफ जैसे जैसे पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण हुआ, लेकिन शाम 4 बजे अत्यधिक प्रेशर के होने के चलते पाइपलाइन फिर से क्षतिग्रस्त हो गई और अचानक पानी की सप्लाई फिर से बंद करनी पड़ी, जिससे लोगों का एक तरफ गुस्सा फूटा। शहर के लोगों का कहना था कि पाइपलाइन की शिफ्टिंग थोड़े दिन बाद नगर पालिका करती तो शायद पानी की किल्लत नहीं होती। नगर पालिका अधिकारी ने कहा कि बरसात में पानी शिफ्टिंग का काम नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसी समय करनी पड़ी। फिलहाल अधिकारी बताते हैं कि कल सुबह तक लोगों के घर पानी पहुंचा दिया जाएगा। जहाँ तक है आज शाम तक यहाँ जीत चालू हो जाएगी, और नगर पालिका की तरफ से और यहाँ के वासुदा क्षेत्र के है ना जो नागरिक हैं बहुत ही बहुत शानदार हैं। वे अपनी अपनी है ना जिनके घरों में पानी नहीं है अपने अपने जेटों से है ना पानी दे रहे हैं, और कुछ लोग है ना अपने टैंकर भी चला रहे हैं। अच्छा, नगर पालिका से कितने टैंकर पानी अभी शासन सप्लाई हुआ है, ऐसा कुछ है? ये तो मेरा नहीं मालूम, पर मेरे है ना वार्ड में हर घर में पानी पंचायत हो गए तो मेरे। सर, कहीं ना कहीं जनता ये कह रही है कि ये काम बरसात में होता, ताकि गर्मी विकराल रूप ले रही है और ऐसे में पानी का संकट 2 दिन। पारा सर नदी पर भी पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य होना था, कल हमने टाइम 20 का कार्य पूर्ण कर लिया था, और पहले से टंकियों ने कुछ पानी स्टॉक करके रखा था, तो सुबह अधिकांश वार्डों में हमने सप्लाई भी दे दी थी, परंतु रात में जॉइंट जो है स्लिप मार गया, इस वजह से ये टेस्टिंग फेल हो गई है। आज सुबह से हम लोग लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से लाइन को ज्वाइंट करके और शाम तक उसकी टेस्टिंग करें, ताकि लोगों को ये समस्या जल्दी दूर कर सकें। तो सर, माना जाए शाम या सुबह तक लोगों के घर पानी पहुँच जाएगा? सर बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास है। आज हम सुबह हमको जानकारी लगी कि 4 बजे, जब से ही हम लोग मौके पे हैं और पूरे जलावर्धन की पाइपलाइन है हमारा घर पुल जोड़ीकरण होने की वजह से इसको विस्थापित किया जा रहा है। विकास के लिए थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन पानी की पाइपलाइन कल सुबह जोड़ ली गई थी शाम को, और जैसा आज पानी का अधिक दबाव होने के कारण ये एक बैंड बैंड थी, इस वजह से इसको बीच में से हट रही है। अब तक पुनः कार्य चालू हो जाएगा, शाम तक पानी सप्लाई चालू हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों से कैसे काम करवाया गया, कि इनको नॉलेज नहीं था कि पानी के प्रेशर से चली जाएगी, पहले जैसे काम करवाना चाहिए? यार गर्मी का मौसम है, ज्वाइंट खुल सकता है। सर, जनता का कहना है कि अभी भीषण गर्मी है, गर्मी में रह नहीं पा रहे पानी के बिना, ये काम थोड़े रुक के हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है या बारिश हो जाती, ताकि बरसात में ये काम नहीं हो। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।